हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है जो कि एक बूचर शॉप चलाया करते थे। लेकिन इस दौरान उनकी शॉप की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि उनका काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। और इस दौरान जानवरों को मारने के खिलाफ कुछ लोग उनकी शॉप में घुस जाते हैं और उन लोगों पर अटैक करके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सोफी अपनी फ्रेंड स्टेफनी से मिलती है तो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम विंसेंट से अच्छा इंसान डिजर्व करती हो क्योंकि उसने अभी तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। इस दौरान हमें पता चलता है कि स्टेफनी के हस्बैंड मार्क की कई सारी बूचर शॉप है जिससे वह काफी अच्छे पैसे कमाता है। इसी वजह से वह सोफी और विंसेंट को काफी बेइज्जत करता है। इस बात से वह दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इस दौरान सोफी विंसेंट से अलग होने की बात कहती है जिससे वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसकी नज़र सड़क पर जा रहे एक आदमी पर पड़ती है जिसे देखकर विंसेंट पहचान जाता है कि वह वही आदमी है जिसने उसकी शॉप पर अटैक किया था। इसलिए वह उससे बदला लेने के लिए अपनी गाड़ी से उसका पीछा करके उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है जिस वजह से वह आदमी उनकी गाड़ी से कुचलकर बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। हालांकि यह देखकर वह दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं लेकिन फिर भी वो उसकी डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। साथ ही साथ वह यह भी फैसला करते हैं कि वो उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंक देंगे। और जब ऐसा करने के लिए विंसेंट उसकी बॉडी पार्ट्स को काट रहा होता है तभी उसके कान का एक टुकड़ा विंसेंट का डॉग खा लेता है जिसे देखकर वह काफी हैरान होता है और उसे दूसरा भी टुकड़ा खाने के लिए देता है जिसे वह बहुत ही स्वाद से चबाने लगता है और खाने लगता है। अगली सुबह जब विंसेंट शॉप पर आने के लिए लेट हो जाता है तो वह अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुमने अभी तक कुछ बेचा है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बता पाती उससे पहले वहाँ पर एक लेडीज आ जाती है जो कहती है कि मुझे वैसा ही मीट चाहिए जैसा तुमने मुझे अभी दिया था क्योंकि उसका टेस्ट हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छा है। यह सुनकर सोफी काफी हैरान होती है और विंसेंट से उस मीट को चेक कराने के लिए कहती है जिसे खाने के बाद वह काफी हैरान होती है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। इसलिए वह विंसेंट से पूछती है कि किस चीज का मांस है। वह बताता है कि ईरानियन पॉप का मांस है। फिर उस लेडीज के जाने के बाद सोफी विंसेंट से उस मांस के बारे में फिर से पूछती है तो वह बताता है कि मैंने उस वेगन की डेड बॉडी को मीट में बदल दिया था जिसे मैं धीरे धीरे लोगों को बेच सकूं और यह वही मीट था। हालांकि वह इस चीज को वहाँ से हटाने लगता है लेकिन सोफी उसे इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है कि लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि यह टेस्टी है। और कहीं ना कहीं उसकी यह बात सच भी हो जाती है क्योंकि उस मीट की वजह से उनकी बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिसर भी उनसे वह मीट खरीद के ले जाता है। रात में हम विंसेंट को देखते हैं जो उस मीट को बनाकर खा रहा होता है तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है। इस दौरान जब विंसेंट उस मीट को स्वाद लेकर खा रहा था तो सोफी कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह बहुत टेस्टी है और अगर हम इसे दुगने दाम पर बेचेंगे तब भी लोग इसे जरूर खरीदेंगे। अगले दिन हमें विंसेंट सोफी के पास उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड लुकस के साथ आती है जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड वेगन है। इसी वजह से उनकी बेटी ने भी मीट खाना छोड़ दिया है। फिर जब उन्हें पता चलता है कि वह एक वेगन रेस्टोरेंट में काम करता है तो वह लोग भी वेगन रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पर वह एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो पूरी तरह से वेगन हो जिसे वह अपने मीट के लिए इस्तेमाल कर सके। तभी उन्हें वहाँ पर होटल का मैनेजर दिखाई देता है जिसका विंसेंट पीछा करता है। हालांकि विंसेंट उस पर अटैक करने ही वाला था पर उसके चिल्लाने की वजह से वह घबरा कर अपनी गाड़ी से निकल जाता है जिसके बाद विंसेंट की वाइफ उसे समझाती है अगर हमें अपनी शॉप बचानी है तो तुम्हें एक सीरियल किलर बनना होगा। फिर अगले दिन वे लोग वेगन बनकर लोगों को मीट खाना बंद करने के लिए कहते हैं। तभी उनकी मुलाकात वहाँ पर जोशुआ नाम के एक आदमी से होती है जो उन्हें अपनी वेगन टीम से मिलाने के लिए कहता है। इसलिए विंसेंट और सोफी उसकी बताई हुई जगह पर उससे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। हालांकि यहाँ पर वो लोग उसे मारना चाहते थे लेकिन उसके साथियों को देख कर वे वहीं पर रुक जाते हैं। तभी उनकी टीम में मौजूद एक लड़की हेमरा बताती है कि मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई है जिसके डैड की बहुत सारी मीट की शॉप है और मैंने उनमें से एक शॉप की चाबी भी चुरा ली है। और जब विंसेंट को पता चलता है कि वह दुकान किसी और की नहीं बल्कि मार्क की है तो वह उन लोगों की टीम में शामिल होकर उनके साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह सभी जानवर के मास्क पहनकर शॉप में पहुँच जाते हैं और मिलकर उस पूरी दुकान को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंसेंट और सोफी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो उसी समय उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है जिसे विंसेंट सोफी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी सोफी के पास रेस्टोरेंट का एक वेटर आता है जो सोफी से बात करता है और उसे घर तक छोड़ता है। साथ ही साथ वह उसके साथ चैट भी करने की कोशिश करता है। यहाँ पर सैफी को पता चल जाता है कि वह वेटर एक वैगन है इसलिए वह अपनी बातों में फंसा कर उसे घर तक ले जाती है। हालांकि यह देखकर विंसेंट को बहुत बुरा लगता है लेकिन वह उससे कहती है कि हम इसे मार सकते हैं। पर जब सैफी उस वेटर का ध्यान भटका रही होती है तो उसे लगता है कि उसका हस्बैंड आकर उस पर वार करेगा लेकिन विंसेंट ऐसा करने से साफ मना कर देता है जिससे उसकी वाइफ काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। यह बात सुनने के बाद जब विंसेंट रूम से बाहर जाता है तो वह उस वेटर को देखता है जो पूरी तरह से नेकड़ था जिसे देखकर विंसेंट को काफी गुस्सा आ जाता है और वहाँ रखे फ्लावर पॉट से उसके सर पर लगातार अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वे दोनों मिलकर डेड बॉडी से मीट के टुकड़े निकालते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगली सुबह सोफी के पास उसकी दोस्त
स्टेफनी का फोन आता है जो उसे अपनी शॉप के बर्बाद होने के बारे में बताती है। हालांकि वह लोग इस बारे में सब कुछ जानते थे क्योंकि उन लोगों ने वैगन टीम के साथ मिलकर उनकी शॉप में तोड़फोड़ करके आग लगाई थी। और क्योंकि अब विंसेंट और सोफी की शॉप बहुत तेजी से चलने लगी थी, इसलिए वह लोग एक एक करके नए नए लोगों को मारने का फैसला करते हैं, जिस चीज को वह काफी इंजॉय करने लगे थे। फिर जब वह दोनों एक विनी नाम के वैगन लड़के को मिलने के लिए बुलाते हैं तो उसे मारने से पहले उस लड़के को उनकी सच्चाई पता चल जाती है, जिसे वह भागने लगता है। लेकिन डर की वजह से विनी को हार्ट अटैक आ जाता है और वह वहीं जमीन पर गिर जाता है। अगले सीन में विंसेंट और सोफी मार्क के घर पर पहुंचते हैं, जहां पर वह उन्हें भी अपनी शॉप का मीट खिलाते हैं जो मार्क को काफी पसंद आता है। जिसके बाद में विंसेंट से फार्मर के बारे में पूछता है जिससे वह मीट खरीदता है, लेकिन विंसेंट कहता है कि तुम तो मेरे कंपटीशन हो, मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं। जिस पर मार्क कहता है कि तुम मेरे कंपटीशन कैसे हुए, क्योंकि पिछले साल तो हमने बहुत पैसा कमाया था। जिस पर विंसेंट कहता है कि हम लोगों को अच्छी क्वालिटी वाला मीट खिलाते हैं जबकि तुम उन्हें कुछ भी खिला देते हो। यह सुनने के बाद मार्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और विंसेंट गुस्से में मार्क का कान काट कर चबाने लगता है, जिसे देखकर मार्क और स्टेफनी दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि किस तरह से वह एक इंसान के मांस को चबा चबा कर खा रहा होता है। हालांकि विंसेंट उनका ध्यान भटकाने के लिए उस कान के टुकड़े को थूक देता है और कहता है कि तुम्हें और वैगन होना चाहिए। फिर वह दोनों वहां से निकल जाते हैं और नए लोगों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में वह दोनों पिकनिक पर जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि वैगन था। इस वजह से वह दोनों उसे मार देते हैं, जिसके बाद विंसेंट और सोफी एक वैगन पार्टी में पहुंचते हैं, जहां पर वह अपना अगला शिकार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां उन्हें लुकस मिलता है जो उन दोनों को वैगन पार्टी में देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों ने अभी तक शॉप तो बंद नहीं की। साथ ही साथ लुकस कहता है कि बहुत सारे वैगन लोग मारे जा रहे हैं और यह सब कुछ बूचर लोगों की साजिश है, इसलिए हम इसके लिए धरना देंगे क्योंकि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। उनकी ये सारी बातें वहां मौजूद एक आदमी सुन लेता है। अगले सीन में हमें विंसेंट और सोफी और एक वैगन लड़की को मारने के लिए उसका पीछा करते हुए दिखाते हैं। हालांकि वह बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों उसे मार देते हैं। फिर जब रात में विंसेंट उस लड़की का मीट तैयार कर रहा होता है, तब उसकी शॉप पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर वह काफी घबरा गया था। हालांकि उस दौरान वह किसी तरह से पुलिस ऑफिसर को वहां से भेज तो देता है, लेकिन यह सब कुछ देखने के बाद वह काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए वह सोफी से कहता है कि हमें यह सब कुछ बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ वह कहता है कि हमने यह काम अपने स्टोर को बचाने के लिए किया था और अब हमारा स्टोर पूरी तरह से सेफ है, तो हमें यह सब कुछ खत्म कर देना चाहिए इससे पहले कि हम पूरी तरह से एक साइको या फिर कैनिबल बन जाए, क्योंकि अब मुझे जिंदा लोगों को भी देखकर खाने का मन होता है। तभी उनके घर पर लुकस उनसे माफी मांगने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर सोफी चाहती थी कि विंसेंट लुकस को मार दे, लेकिन विंसेंट लुकस को वहां से भेज देता है और कहता है कि क्या तुमको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हमारी बेटी उससे कितना प्यार करती है। फिर अगले दिन जब वह दोनों शॉप पर पहुंचते हैं तो वहां पर आए लोग जब उसी पुराने मीट को मांगते हैं तो विंसेंट कहता है कि अब हमारे पास में मीट खत्म हो चुका है, जिस वजह से शॉप में मौजूद सारे लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद विंसेंट भी अपने डॉग के साथ शॉप से निकल जाता है और जब सोफी शॉप पर अकेले होती है तभी वहां पर वैगन टीम के मेंबर आ जाते हैं और सोफी को किडनैप कर लेते हैं। इधर जब विंसेंट उन लोगों की गाड़ी देखता है तो वह समझ जाता है कि उन लोगों को यह सब कुछ पता चल गया है कि सोफी और विंसेंट गुचर हैं और वैगन टीम को यह सब कुछ बताने वाला और कोई नहीं बल्कि वह वैगन पार्टी में मौजूद आदमी था जो इन लोगों की बातें सुन रहा था। और फिर वह लोग जब सोफी को मारने वाले थे तभी वहां पर विंसेंट हथियार लेकर पहुंच जाता है और उन सभी पर अटैक करके उन्हें बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। हालांकि इस दौरान जोशुआ विंसेंट पर काफी भारी पड़ रहा था और उसे पीटने लगता है, साथ ही उसके हाथ में लिया हुआ स्क्रू ड्राइवर विंसेंट के सीने में घुसा देता है। लेकिन तब तक सोफी भी खुद को आजाद करके जोशुआ पर एक कुक से अटैक करके उसे मार देती है। लेकिन हम फिर देखते हैं कि विंसेंट और सोफी की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ चुकी है, जिसे बताने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टेफनी और मार्क है, क्योंकि उन्हें उसी दिन शक हो गया था जब विंसेंट ने मार्क के कान को चबाकर काट लिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।